माँ की दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर रो पड़ोगे। एक समय रात करीब 1 बजे बेटे को माँ का फोन आता है। बेटा हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज ही तुम पैदा हुए थे, तुमको ढेरों शुभकामनाएं। माँ ये कोई टाइम है फोन करने का, रात का 1 बजा है, आप सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी, मेरी नींद खराब करती है। माँ ये सुनकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पिता का फोन आता है। पिता की आवाज सुनकर बेटा कुछ नहीं बोलता है, बस इतना कहता है, आपने भी बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है? नहीं, मैंने बर्थडे विश करने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हारी माँ ना समझ है, ना कुछ नहीं समझ पाती, भला कोई इतनी रात को फोन करता है? बेवकूफ है ना, उसे पता नहीं कि तुम गहरी नींद में होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही नींद खराब हुई है, और मेरी तो साल में 365 दिन हर रात 1 बजे तुम्हारी माँ उठाकर नींद खराब करती है और कहती है कि इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था, बर्थडे विश करती है। फिर से कहते हैं, जानते हो तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि इसमें माँ की जान भी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहे कि दोनों में से एक ही बचेगा तो तुम मेरे बच्चे को ही बचाना। और मेरे से जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुझे ही बचाने को कहा, और तू कहता है कि माँ ने मेरी नींद खराब कर दी, जा सो जा बेटा, अब तेरी माँ कभी तुझे नींद खराब नहीं करेगी, और फोन काट देता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है मैं उसी के उपचारों को भूल गया? क्या मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ? उसे रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया? पिता कहता है, जा तू यहाँ से, मेरे कंधों में जब तक ताकत है तब तक मैं तेरी माँ की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन माँ कहती है, माफ़ी तो मांग रहा है ये, मान लीजिए ना। देखो ये होती है माँ, बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपने बच्चे का बचाव करती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।